अब यहाँ देखना, पहला जो सवाल है आपका हुआ है ना, अब इसके बाद देख लीजिए आप इस प्रश्नावली 12.1 का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का दूसरा सवाल भी इम्पोर्टेंट सवाल है। ये सवाल देखिए क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए आप, है ना, कि कह क्या रहा है, हमें क्या तैयार करना है, और तैयार करने के बाद उसमें दिया क्या है, और हमको ज्ञात क्या करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कहता है, कोई बर्तन एक खोखले अर्ध गोले के आकार का, हमारे पास एक बर्तन है हमारे घर में, और वो बर्तन कैसा है, अर्ध, ठीक है ना, खोखले अर्ध गोले के आकार का। तो ऐसा कौन सा बर्तन होगा हमारे घर में जो खोखले अर्ध गोले के आकार का है, वो होता है कटोरा। क्या है वो, कटोरा। आजकल कटोरा नहीं चलते, परंतु पहले चलते थे। तो वो बर्तन देख लीजिए कुछ इस तरीके का है, कैसा है ये, अर्ध गोलाकार, ये है अर्ध गोलाकार, ये क्या है अपना, ये क्या, खोखला गोला, अपने दिया जैसे बोले अपन दीपावली में गोल दिया का प्रयोग किए, तो ऐसा ये हमारे पास भी क्या है, एक बर्तन है। फिर आगे देखना क्या कहता है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अब बेलन मतलब क्या क्या है, एक क्या हमने क्या लिया, एक बॉटल लिया, और बाटल के ऊपर वाला सिरा और नीचे वाले सिरे को हमने अलग कर दिया, और इस पर हमने क्या बना दिया, एक बेलन को अध्यारोपित कर दिया। ये देख लीजिए यहाँ पर एक बेलन इस पर अध्यारोपित है, यहाँ पर ये बेलन ऐसे ही रहेगी ना, ग्लास में से बोले अपन, ये बेलन क्या है, इस पर अध्यारोपित है, ठीक है। ये क्या कहला जाएगी यहाँ से, ये अर्ध गोले की क्या कहलाएगी, त्रिज्या। यहाँ से देखें तो ये भी बेलन की क्या कहलाएगी, त्रिज्या, और ये वाला भाग ये बेलन की क्या कहला जाएगी, ऊंचाई कहलाएगी, है ना। अब यहाँ पर क्या कह रहा, पढ़ते इस तरीके से अध्यारोपित है, अध्यारोपित का मतलब उस पर ये क्या है, ढकी हुई है ना। तो सैम ऐसी एक आकृति तैयार हो रही है, ये आकृति में यहाँ पर ये क्या है आपका, ये कहला गया आपका क्या कहलाया, बेलन, और ये क्या कहला गया आपका, अर्ध गोला कहला गया। ये अर्ध कैसा कहलाया, ये गोला, खोखला गोला है ये, ठीक है ना। अब क्या कह रहा आगे पढ़ना, अर्ध गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर, ये देख लीजिए अर्ध गोले का व्यास, यानी ये कहला जाएगा ये कितने सेंटीमीटर के बराबर है, ये है आपका 14 सेंटीमीटर के बराबर। हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसको यहाँ पे ऐसा, तो ये क्या जाएगा आपका 14, ये क्या है, सेंटीमीटर, ये अर्ध गोले का व्यास है ना। चूंकि बेलन इस पर क्या है, अध्यारोपित है, तो जितना व्यास अर्ध गोले का होगा उतना ही व्यास किसका होगा, बेलन का, और जब व्यास 14 सेंटीमीटर है तो फिर इसकी ये क्या हो जाएगी, त्रिज्या कितने सेंटीमीटर की हो जाएगी, व्यास का आधा क्या होती है, त्रिज्या, तो ये 7 सेंटीमीटर की कहला जाएगी, समझ लीजिए आप, त्रिज्या ये आर बराबर ये क्या कहला जाएगी, ये जो कहलाएगी यहाँ से देखें हम 7 सेंटीमीटर, ये बेलन की ऊंच क्या कहला गई, त्रिज्या कहला गई, और अर्ध गोले की ऊंचाई भी कहलाएगी और उसकी त्रिज्या भी कहलाएगी। अब ये जो देखना, ये जो बना नया बर्तन तैयार हो गया ना, इस नए बर्तन की कुल लंबाई 13 सेंटीमीटर, मतलब कुल ऊंचाई इसकी क्या है, 13 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यदि हम देखें तो ये क्या आ जाएगा आपका, 13 सेंटीमीटर कहाँ तक आ जाएगा, ये यहाँ तक आ जाएगा इसकी कुल लंबाई, ठीक है ना। तो यहाँ हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर मान लेते हैं ये क्या है ए, ये क्या हो गया ओ, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ओ डैश, और इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए पी मान, आया समझ। तो यहाँ से अब हम देखें क्या दिया हुआ है, ये देख लीजिए आप, इतना समझ में आया, ये चित्र समझ में आया कि नहीं, देखिए मैंने इसको याद करके नहीं बताया, मैं जैसे प्रश्न बोल रहा है ना, मैं प्रश्न के अनुसार ही इसका चित्र को तैयार कर रहा हूँ। हमारे पास क्या है, कोई एक बर्तन खोखले अर्ध गोले के आकार का है, मैंने सबसे ये येलो वाला देखा, ये अर्ध गोला खोखला गोला के आकार का है कि नहीं, इसमें क्या है, एक बेलन एक ग्लास को हमने क्या कर दिया है, इसमें ढक दिया, अध्यारोपित कर दिया, तो जो व्यास किसका है, अर्ध गोले का है, वही व्यास किसका है, बेलन का है। अर्ध गोले का व्यास कितने सेंटीमीटर का है, 14 सेंटीमीटर का, तो बेलन का व्यास भी कितने सेंटीमीटर का होगा, 14 सेंटीमीटर।
जब व्यास 14 सेंटीमीटर का है तो त्रिज्या कितने सेंटीमीटर की होगी इसकी, 7 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास का आधा क्या होती है त्रिज्या। इस टोटल नया जो बर्तन नए टाइप का ढककर के हमने बनाया तो एक नए टाइप का बर्तन हो गया ना, इस नए बर्तन की टोटल ऊंचाई या लंबाई कितनी है हमारे 13 सेंटीमीटर। तो हमको बताना है कि इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे ना, क्या लिख लेंगे इसके लिए, दिया है। क्या दिया हुआ है यहाँ पर, देखो आप अर्ध गोले की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगी, बेलन की त्रिज्या। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है अर्ध गोले, अब खोखला ना लिख करके हम अर्ध गोले का ये क्या हो जाएगा व्यास, बराबर ये क्या हो जाएगा आपका बेलन का, ये क्या हो जाएगा बेलन का व्यास, और ये दोनों का व्यास कितना है, ये 14 सेंटीमीटर। इसलिए जब व्यास इसका 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसलिए अर्ध गोले की ये क्या हो जाएगी त्रिज्या, बराबर ये क्या हो जाएगी आपकी बेलन की, ये क्या हो जाएगी बेलन की त्रिज्या। त्रिज्या को हम काय से प्रदर्शित करते हैं, आर से, रेडियस कहलाता है। तो ये आर बराबर ये क्या हो जाएगा 14/2 बराबर ये क्या जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर अर्ध गोले की त्रिज्या कितनी कहलाई, 7 सेंटीमीटर है ना। इसके बाद ये क्या जाएगा इसका, इसके बाद ये क्या जाएगा अर्ध गोले का यहाँ त्रिज्या कहला गई, और बेलन की भी त्रिज्या कितनी कहला गई, 7 सेंटीमीटर। ये अर्ध गोले की यहाँ से देखा जाए तो ये ऊंचाई भी इसकी क्या कहलाएगी आपकी, 7 ही सेंटीमीटर कहलाएगी, उसको त्रिज्या माने चाहे ऊंचाई। अब यहाँ से देखना क्या आ जाता है, अब बेलन की ऊंचाई देख ले क्या हम, बेलन की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगी, बेलन की ऊंचाई है ना, बेलन की ऊंचाई यानी बराबर ये क्या हो जाएगी आपकी, बर्तन की ऊंचाई में से हम अर्ध गोले की ऊंचाई को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पर बेलन की ऊंचाई बराबर बर्तन की ये क्या हो जाएगी ऊंचाई, बर्तन की ऊंचाई माइनस ये क्या हो जाएगी आपकी अर्ध गोले की, ये क्या हो जाएगी गोले की, ये क्या हो जाएगी आपकी ऊंचाई। अब बर्तन की टोटल ऊंचाई कितनी कहला रही है, देखो ओपी या डायरेक्ट आप देख सकते हो ये कितनी कहलाएगी 13। ये क्या कहला जाएगी आपकी, यहाँ एच बराबर हम लिख सकते हैं 13 सेंटीमीटर रन। अर्ध गोले की ऊंचाई कितनी कहलाएगी बताइए, त्रिज्या ही उसकी ऊंचाई कहलाएगी, तो वो क्या आ जाएगी आपकी 7 सेंटीमीटर। ये देखो ये त्रिज्या कहलाई 7 सेंटीमीटर, ये भी त्रिज्या कहलाएगी 7 सेंटीमीटर। तो H बराबर ये क्या हो जाएगी, 13 में से यदि हम 7 घटाएंगे क्या जाएगा 6 सेंटीमीटर, ये क्या कहला जाएगी इसकी ऊंचाई कहलाएगी, यानी ये जो ऊंचाई मिली ये कितनी मिली हमको 6 सेंटीमीटर, ये क्या कहला गई, ये बेलन की ऊंचाई कहला गई, मिल गई ना। अब हमको देखना बेलन की त्रिज्या मिल गई, बेलन की ऊंचाई मिल गई, अर्ध गोले की त्रिज्या मिल गई, तो अब हम क्या ज्ञात करेंगे देखना कि बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्र, इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर, इसलिए बर्तन का क्या हो जाएगा, बर्तन का आंतरिक ये क्या हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बर्तन में कौन कौन से, ये देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ है, साथ में आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं ना, तो बेलन का वक्र पृष्ठ धन ये क्या हो जाएगा अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ, दोनों को यदि हम जोड़ देते हैं तो ये किसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, नए वाले बर्तन का। तो यहां पर लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस ये क्या हो जाएगा आपका अर्ध गोले का, ये प्लस है, ये हो जाएगा आपका अर्ध गोले का ये क्या हो जाएगा आपका वक्र, ये क्या हो जाएगा पृष्ठ। अब देखो यहां से बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, 2πRh होता है, ये देख लीजिए यहां पर 2πRh प्लस अर्ध गोले का क्या हो जाएगा, अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πR² होता है,
होता है ना। ये सूत्र हमने इसलिए कल हमने आपको पूरा एक पीरियड हमने सूत्र पर दिया, फार्मूला पर दिया कि कैसे किसका फार्मूला और कैसा आता है। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस क्या हो जाएगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। यहाँ देखो आप 2π, ये एक पद कहलाया, ये दूसरा पद, 2π यहाँ भी है, 2π यहाँ भी है, तो हम 2π को क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते, निकाल लेते। अब यहाँ क्या बच गया आपका RH प्लस, यहाँ क्या बचा, ये बचा है आपका क्या है आर स्क्वायर बचेगा, क्या बच गया यहाँ से, ये आपका ये क्या हो गया आपका आर स्क्वायर। अब देख लीजिए यहाँ से ये क्या हो गया 2, ये हो गया पाई आर, यानी बेलन पे जाएंगे, बेलन की त्रिज्या कितनी है 7 गुणित बेलन की ऊंचाई कितनी मिली, इसलिए हमने ये निकाला, ये क्या जाएगी 6 धन अर्ध गोले की त्रिज्या कितनी है 7 की, तो ये क्या हो जाएगा 7 का ये क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। फिर इसको अब हम यहाँ देख लेते हैं, देख लीजिए तो ये बराबर आपका क्या जाएगा 2π और यहाँ से सच्चें क्या हो जाएगा आपका 42 धन 7 का वर्ग यानी क्या हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा, 7 का वर्ग ये हो गया 49। फिर ये देख लीजिए 2 गुणित पाई का मान रखते हैं अब हम 22 बटे ये क्या हो जाएगा 7 गुणित और 9 और 2 11 की 1 हाथ में आया 1 और 4 गुनी 8 और 1 क्या हो जाएगा 9। यहाँ से कट जाएगा क्या, आप देखो 7 से 7 एकम 7, 7 एकम 7, बचेंगे कितने 2 और 7 किया 21। अब ये क्या आ गया 22 गुनी 44 गुणित क्या करते हैं हम 13, तो ये बराबर 13 एकम 13, 13 गुनी 26, 13 किया 39, 13 चौके 52, 52 की क्या हो जाएगा 2 और 13 चौके फिर क्या आ जाएगा आपका 52 और 52 और ये क्या आ जाएगा आपका 5 ही क्या जाएगा 57, तो ये हो जाएगा आपका 572 सेंटीमीटर गुणित सेंटीमीटर, यानी ये क्या हो जाएगा आपका वर्ग सेंटीमीटर। अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः बर्तन का क्या निकल के जाएगा, बर्तन का आंतरिक है ना पृष्ठीय, ये क्या हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर ये हो जाएगा 572 सेंटीमीटर का वर्ग या वर्ग सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया आपका बनेगा। अब इतने इत्मीनान से मैंने इसको आप लोगों को समझाया है, अब वर्ग आपका है ठीक है ना, मेरा वर्ग ये हो गया, अब आपका वर्ग है कि आप घर में जाइए, इसको घर में आप इसको प्रैक्टिस करिए, जहां यदि आपकी समझ में नहीं आता फिर से आप नेक्स्ट पीरियड पे आप इसको पूछ लीजिए कि सर हमने यहाँ पर किया और ये हमारी समझ में नहीं आया, परंतु इसको आपको देख करके समझ करके ही आपको हल करना है। एक दो बार आप इसको देखिए समझिए इत्मीनान से करिए, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है और इसको प्रैक्टिस में ले आइए, कैसे जो ये सवाल आपसे बनेगा नहीं, मेरे हिसाब से ये जो क्वेश्चन है ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से ये क्या है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहलाता है। क्लियर, लिख लीजिए इसको।